सिंगरौली जिले में तेज रफ्तार कार और ऑटो की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। ये घटना बरगवा थाने के बड़ोखर चौराहे की है। भोपाल के मिसरौद थाना क्षेत्र में रविवार तड़के तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक में घुस गई। हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक घायल है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर में घूमेश्वर महादेव पर दर्शनों के लिए गए युवक नदी में डूब गए, दोनों लापता हैं। दोनों अपने 8 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए हुए थे। होशंगाबाद में 9 साल का बालक नाले में बह गया। शिवपुर में बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां 50 यात्रियों से भरी बस ड्राइवर की गलती से उफनती नदी के बीच रपटे पर फंस गई। रपटे पर पानी ओवरफ्लो हो रहा था, बीच रपटे पर पानी ज्यादा होने के कारण बस फंस गई, इससे यात्रियों की सांसें फूल गईं। इंदौर में शराब कारोबारी गोलीकांड के बाद लगातार गुंडों पर कार्रवाई की जा रही है। वारदात के बाद कई बदमाश अंडरग्राउंड हो गए हैं। पुलिस ने भी गुंडा अभियान अब फिर से तेज कर दिया है। शनिवार की देर रात पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में करीब 562 गुंडों को पकड़ा। सभी गुंडों पर कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया है। इंदौर में पति ने अपनी ही पत्नी पर जान से मारने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। हालांकि FIR में युवक ने कुछ और बयान दिए थे। परिजन का कहना है कि घायल पत्नी पर शक होने के कारण इंदौर पहुंचा था, तो उसकी पत्नी अन्य 2 युवकों के साथ कमरे में थी। विरोध करने पर उसे 4th मंजिल से फेंक दिया। छिंदवाड़ा शहर के गुलबारा में रह रही एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक नेहा के कमरे से 1-4 लाइन का सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें उसने ये लिखा है कि वो प्रेम प्रसंग में नाकाम रही और उसके परिजनों ने भी उसका साथ नहीं दिया। उज्जैन में 24 घंटे से कभी धीमी तो कभी तेज बारिश जारी है। लगातार बारिश से क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रामघाट पर छोटे बड़े मंदिर डूब गए हैं। घाट पर श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी गई है। नदी पर बना छोटा पुल भी डूब गया है। पुल के दोनों ओर बैरिकेड लगाकर आवागमन बंद करा दिया गया है। सिंगरौली के खोखवा गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां गौहा सिंह गौण की बेटी और बेटे की तबीयत काफी समय से खराब थी। इलाज कराने से कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसे संदेह था कि उसकी चाची उसके बच्चों पर जादू टोना तंत्र मंत्र से बच्चों को बीमार करके रखे है। इसी के चलते आरोपी की पत्नी चाची से कहासुनी करने लगी, तो जीजा साले ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। सावन का महीना शुरू होने से पहले गुरु पूर्णिमा के मौके पर किन्नरों ने भोलेनाथ की पूजा की है। कटनी जिले के बहोरीबंद स्थित रूपनाथ मंदिर में जबलपुर से किन्नरों की टोली पहुंची थी। DJ की धुन पर भक्ति के गीतों पर किन्नरों ने जमकर डांस किया।